अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो आप सब? आज हम आपके साथ नोहो किचन है ना शेयर करने लगे हैं कि कैसे इसकी रेसिपी कैसे तैयार होते हैं। आपने एंड तक हमारी वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। ये दो प्याली हमने चने लिए और मसूर की दाल जाएगी इस ग्रेवी के लिए। हाफ कटोरी जाएगी इसमें। ये जरा लहसुन का पेस्ट है, एक टमाटर है, तीन हरी मिर्ची है और डेढ़ प्याज है। मैं ऑयल इसमें डालने लगी हूँ अपने हिसाब से, जितना आप घर में यूज़ करते हैं ऑयल। कुछ लोग ऑयल बहुत कम यूज़ करते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद है ऑयल और कुछ लोग को घी। पर ऑयल ना सेहत के लिए अच्छा होता है, आप घी नहीं यूज़ करना चाहिए, ऑयल यूज़ करना चाहिए। हम प्रेशर में इसीलिए मसाला बना रहे हैं क्योंकि बाद में प्रेशर लगाना है दाल डाल के। ये चने हैं ना, ये बॉईल कर लिए हैं, ये हमने भिगो के रखे थे सुबह के और ये बॉईल करके अच्छा हमने इसमें नमक भी ऐड किए थे। पानी नहीं गिराना है और यही पानी ना इसमें जाएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके साथ ही ऐड करूँगी। ये मूसा मुझे साथ साथ तंग कर रहा है, मूसा का बस ये काम है तंग करना। प्याज को और लहसुन अदरक को ब्राउन करेंगे लाइट सा। हम आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने लगे हैं, लाहौरी चने बनाएंगे। और आपको पता है जो लाहौर में रहते हैं, लाहौर के चने जो है कितने फेमस होते हैं, बहुत ही शौकीन से लाहौर में चने बनाने। तो एंड तक आपने हमारी वीडियो ज़रूर देखनी है। ये देखिए प्याज और लहसुन अदरक में जो है हमारा ब्राउन हो गया। अब इसमें टमाटर ये देखे मैंने मूसा को इतना बताया, ये रो रहा है। ये जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना तब मुझे तंग करने लग जाता है। ये एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी, ज़ीरा और काली मिर्च हाफ चम्मच, एक चम्मच सूखा धनिया, दरबर मिर्च एक चम्मच और नमक हाफ चम्मच, ये ऐड कर देंगे। हम मसाले की बुनाई करेंगे। ये देखिए टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गए, इसे मैश हो गए। इसकी बुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चा पानी कर देंगे। इसमें से ना थोड़ा सा ऑयल निकाल देंगे हम, जब सारे चने हो जाएंगे तो फिर एंड पे डालेंगे। क्योंकि चने डालो ना फिर ऑयल जो है नज़र नहीं आता। अब हम इसमें दाल डाल देंगे, अच्छे से धो के रखी थी। ये चने बॉयल करके रखे हुए थे, पानी भी इसका साथ में ही है, ये भी इसमें ऐड करते हैं। बहुत सिंपल थे चने, ये बनते हैं बहुत मज़े के बनते हैं चने, मुर्गी के बगैर चलिए। अब इसमें ये पानी कम लग रहा है, मैं इसमें और थोड़ा सा हाफ गिलास पानी का डाल दूँगी, हाफ गिलास मैं इसमें डाल दूँगी पानी का। अब मैं प्रेशर लगा दूँगी इसे
10 मिनट के लिए, जो से चने तो हमारे हुए हैं ताली हो जाए बस। ये देखिए प्रेशर से चने ना निकाल लिए, इसको थोड़ा कढ़ाई मेल्ट कर लें, थोड़ा थोड़ा मेल्ट कर लें तब इसकी ग्रेवी अच्छी से बन जाए। नमक चेक कर ले इसका, गरम मसाला भी एंड पे ऐड किया हमने और नमक थोड़ा सा कम है, नमक भी इसमें ऐड कर लिया है और गरम मसाला भी, चाइनीज नमक भी हमने इसमें ऐड किया। इतना रखनी है इसकी तरीर जो है ना ऊपर आ जाए थोड़ी सी, तरीर इसकी पहले भी हमने निकाल के रखी, इसीलिए निकाल के रखी थी, कैन पे हम डाल दें। ओह ये देखे तरीर ना, जो ये तरीर निकाल के रखी थी ये भी हम इसमें ऐड करने लगे हैं, और एंड पे इस पर ना धनिया हम डालेंगे। हमारे लाहौरी चने रेडी हो गए हैं, आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। आप नान के साथ भी खा सकते हैं, खमीज रोटी के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। ये देखें मज़ेदार से हमारे लाहौरी चने रेडी हो गए हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं चिकन के बगैर, दाल मसूर की डाल के। ये देखें कितना ही प्यारी इसकी कलर आया है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।